नमस्कार साथियों साथियों, मेरा नाम है राजू यादव, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी किसान प्रकोष्ठ। आज आम आदमी पार्टी किसान प्रकोष्ठ की टीम नगला मूले विधानसभा क्षेत्र जनपद मैनपुरी का है, और कहीं ना कहीं जो मंडी गेट है उसके सामने ही हमारे माननीय नेता, वरिष्ठ नेता सत्येंद्र राजपूत जी का विद्यालय है शिव शक्ति। तो शिव शक्ति विद्यालय जो कि अभी तक काफ़ी बच्चों को जिन्होंने अच्छी शिक्षा दी है और सत्सिज भी हुए हैं बहुत बड़ी संख्या में, तो कहीं ना कहीं उसी प्रांगण के अंदर आज भगवान राम के, जो कहीं ना कहीं भगवान राम का मंदिर बन के तैयार हुआ है, उसकी खुशी में आज हवन हो रहा है। आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी परिवार के सभी जन मिलकर के कहीं ना कहीं आपके सामने ही हैं, हवन कर रहे हैं, बड़ी खुशी है। और कहीं ना कहीं राम सबके हैं। जो लोग ये बोलते हैं कि राम किसी एक पार्टी के, ऐसा नहीं है, हर पार्टी के लोग हिंदू हैं। और असली हिंदू, असली राम राज्य की पहचान केवल आपको आम आदमी पार्टी की टीम देगी। केवल आम आदमी पार्टी ही असली राम राज्य को फॉलो करने वाली पार्टी है। आप सभी जानते हैं दिल्ली में हमारी सरकार है, दिल्ली में माननीय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, और माननीय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में जहाँ पर चिकित्सा पूरी तरह से फ्री है, इंटरनेशनल लेवल की चिकित्सा है, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं, जगह जगह पिंक मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं, और इनके माध्यम से दिल्ली की जनता को अच्छी चिकित्सा देने का काम किया जा रहा है। वहीं शिक्षा की अगर हम बात करें तो दिल्ली में इंटरनेशनल लेवल के सरकारी स्कूलों को बनाया गया है। वहाँ के स्कूलों में अच्छी लाइब्रेरी, अच्छी लैब, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं सभी की सेपरेट लैब है। बच्चों को वहाँ पर इतनी अच्छी शिक्षा दी जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य हैं वहाँ पर इस तरह की स्कूलों की कामना करना ही बेकार है। आप उत्तर प्रदेश में कोई एक ऐसा स्कूल नहीं बता सकते जो कहीं ना कहीं हम दिल्ली से उसका कंपेरिजन कर सकें, जहाँ हम गर्व से कह सकें कि आज दिल्ली के माननीय अरविंद केजरीवाल जी की तर्ज पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कोई स्कूल बनाया है। तो असली रामराज्य की परिकल्पना केवल माननीय अरविंद केजरीवाल जी की नीति में है। असली रामराज्य की परिकल्पना जहां पर पानी, शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था, पंजाब में हमारी सरकार है, माननीय भगवंत मान जी की सरकार है, और भगवंत मान जी की सरकार ने थोड़े से ही समय में 700 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक बनाकर देश में सबसे तेजी के साथ चिकित्सा के स्तर को सुधारने का काम किया है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी असली राम राज्य को लेकर बढ़ने वाली पार्टी है। आम आदमी पार्टी में आपको कोई भी बलात्कारी नहीं मिलेगा, कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं मिलेगा। भ्रष्टाचार के नाम पर जहां पर आपने हमारे सीनियर लीडर सत्येंद्र, हमारे जो है चिकित्सा मंत्री सत्येंद्र जैन जी को, हमारे राज्यसभा सांसद संजय भैया को, हमारे मनीष सिसोदिया जी को जहां पर आपने गिरफ्तार करके आपने ये साबित कर दिया कि आम आदमी पार्टी, जिसको आप सुपारी जैसी पार्टी कहते हैं, उसके सामने भारतीय जनता पार्टी घुटने टेक चुकी है। साथियों, अगर उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने हमारी आम आदमी पार्टी को सत्ता दी तो 5 साल बाद फिर कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी दखल नहीं करेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी काम करने पर भरोसा करती है, आम आदमी पार्टी कार्य करने की राजनीति पर भरोसा करती है, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी है, आम आदमी पार्टी को स्कूल खोलने आते हैं, आम आदमी पार्टी को चिकित्सा सही करना आता है। इतना ही नहीं, हर हाथ को, हर घर को रोजगार देना आता है। कामगारी महिलाओं के साथ साथ बेरोजगारों को उनके हाथ में रोजगार देना आता है। तो कहीं ना कहीं हमारी यही अपील है कि आप रामराज को समझें। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद।